नचन कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्यूरल फॉर्म आ, हम एस से जो है फॉर्म करते हैं जैसे चीफ एफ़ है एंड में लेकिन हम उसको प्यूरल बनाने के लिए सिर्फ एस लगाएंगे प्रूफ प्यूरल फॉर्म के लिए एस लगाएंगे और सेफ तो हम एस लगा के इनका प्यूरल करेंगे यानी एफ के पहले यहाँ पे वॉवल्स आए हैं थ्री नाउंस फॉम देर प्यूरल्स बाय एडिंग ई एन टू द सिंगुलर कुछ नाउन ऐसे हैं कि जिनका प्यूरल्स बनाने के लिए हमको एंड में ई एन का यूज़ करना पड़ता है जैसे ऑक्स ऑक्सन चाइल्ड चिल्ड्रेन यानी आर ई एन लगाना है उनके स्पेलिंग में अ फ्यू नाउन फॉम देर अल बाय चेंजिंग द वॉवल इन द मिडल ऑफ द वर्ल्ड कुछ नाउन ए वर्ड ऐसे हैं जिनके बीच में वॉवल वर्ड आते हैं जैसे डबल ओ है तो आपको डबल ई करके उनका प्यूरल फॉर्म करना है फॉर एग्जाम्पल जैसे माउस एम ओ यू एस सी माउस तो हम यहाँ पर ओ को और यू इनको हटा देंगे और एस तीन वर्ड और वहाँ पर उसका प्यूरल करने के लिए एम आई सी ई माइस इस तरह से मैन ए को हटाकर ई एम ई एन मैन टी डबल ओ टी एच तूत इसका प्यूरल फॉर्म करने के लिए टी डबल ओ को चेंज करेंगे टी डबल ई टी एच में तीत गूस जी डबल ओ एस सी गूज तो डबल ओ को हटाकर डबल ई करेंगे जी डबल ई एस सी वुमेन डब्ल्यू ओ एम ए एन तो प्यूरल्स करने के लिए ए को चेंज करेंगे ई में डब्ल्यू ओ एम ई एन वुमेन फूट फीट डबल ओ को चेंज करके डबल ई करेंगे और सम नाउन्स आर यूज बो सिंगुलर अ प्योर कुछ नाउन ऐसे हैं कि जो सिंगुलर में पढ़े जाते हैं वो ही सेम प्यूरल्स में रहसे कि वैसे रहते हैं ना उसमें हमें आई ई एस एड करना है ना वी ई एस ना एस जैसे शेप शेप रहेगा डियर डियर है ना स्कोर स्कोर फ्रूट फ्रूट फ़िश फिश देखो फ़िश जो है उसका प्यूरल फॉर्म फिशेस कब होगा कि जब हमें ये बताना है कि एक तालाब है उसमें बहुत सारी विविध प्रकार की बहुत प्रकार की मछलियाँ हैं तब हम फिशेस यूज़ करते हैं अदरवाइज़ फ़िश का फिश ये एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट मीन्स मीन्स डजन dozen, डजन रहेगा और सीरीज़ का सीरीज uh, ही रहने वाला है नाउन दैट आर ऑलवेज प्यूरल कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्यूरल्स रहते हैं बहुवचन में ही उनको पढ़ा जाता है जैसे कंपास, जीन्स है ना, पोल्स शॉर्ट्स एशेस, एडवर्टाइजमेंट्स, रिचेस थैंक्स गुड्स पैंट सीज़र्स ग्ला क्या बोलते हैं टाउजर्स पीपल ये क्या है सब प्युरल्स ही है और कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर रहते हैं जैसे कि फ़र्नीचर है मैथमेटिक्स फिजिक्स है ना राइस है मनी पब्लिक सिनेरी वीट इस तरह से और कुछ हम प्रोनाउन के प्यूरल फॉर्म देखते हैं जैसे आपको पता है कि तीन पर्सन होते हैं फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन मीन्स बोलने वाला स्पीकर सेकेंड पर्सन सुनने वाला जो है लिसनर और थर्ड पर्सन मीन्स जिसके बारे में हम कहते हैं ने स्पोकन ऑफ तो उसको हम क्या बोलते हैं थर्ड पर्सन बोलते हैं जिसके बारे में कहा जाता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन आई है उसका प्योरल वी है मी का अस योस का योस ही रहेगा माय सेल अवसेल्स में चेंज होगा यू यू में रहेगा हिम हर का देम इट्स देयर का हिम सेल हर सेल व्योसैल देम सेल योस सेल्स में बदल जाएगा ही शी इट का दे होगा माइन का आर् और हिज और हर का देस हो जाएगा तो इस तरह से जो है हमने आज क्या देखा सिंगुलर और प्यूरल्स जो है वो कैसे चेंज होते हैं उनके क्या क्या रूल्स है और कब हमें उन्हें कैसे चेंज करना होता है इन केस ऑफ सम कंपाउंड वर्ड द प्यूरल्स इज़ मेड बाय एडिंग एस टू द फर्स्ट वर्ड अब कुछ ऐसे uh, भी है कंपाउंड वर्ड जिनके आ, पार हम क्या लगाते हैं प्यूरल करने के लिए एस जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रदर इन लॉ तो ब्रदर्स इन लॉ सिस्टर इन लॉ तो सिस्टर्स इन लॉ फादर इन लॉ फादर्स इन लॉ पासर बाय पासर्स बाय सन इन लॉ सन्स इन लॉ तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जो कोई भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं आ, प्युरल बनाने के लिए जैसे रेडियो रेडियोस फ़ोटो फोटोज़ स्टूडियो इस्टीडियो स्टूडियोज पैनो पैनोज वीडियो वीडियो तो इस तरह से जो है हमने तीन पार्ट के अंदर आ, ये प्युरल्स फॉर्म कैसे बनते हैं उनके रूल्स देखे हैं मुझे लगता है आपको अच्छी तरह से समझ में आज आ गया होगा इट्स वेरी सिंपल कि नाउन एंडिंग एस डबल एस सी एच एस एच है तो आपको ई एस लगाना है नाउन एंडिंग एफ और एफ ई तो आपको उस वी ई एस लगाना है नाउन एंडिंग वाई है तो उसको जो चेंज करना है आपको आई ई एस में और कुछ जैसे के वैसे ही रहते हैं कुछ प्यूरल्स सी पढ़े जाते हैं और कुछ सिंगुलर और प्यूरल में सेम हम उनको पढ़ते हैं ओके टिल देन गुड बाय